आज तो भाई फिर दाल बाटी चूरमा डे बन गया मम्मा। मम्मा भी क्या सच में ऐसे डिपो दो क्या? वेलकम है जी आपका एक और डेली ब्लॉग में। सुबह सुबह इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली कानपुर जा रहे हैं, जब तक आप ये ब्लॉग देखोगे तब तक हम लोग होंगे कानपुर में, बढ़िया बढ़िया खाना एक्सप्लोर कर रहे होंगे। कुछ अगर सजेशंस होगी आपके कानपुर फूड रिलेटेड तो इस ब्लॉग के कमेंट सेक्शन में डाल देना। जब ये ब्लॉग लाइव होगा तब फिर मैं देखूंगा पढ़ूंगा, कुछ बहुत ही अतरंगी चीज हम लोगों से मिस हो गई होगी तो वो भी कवर कर लेंगे। हाँ जी क्या कर रहे हो? बाटी बना रही हूँ, बहुत टाइम के बाद बना रही हूँ। जो गैस तंदूर था वो ऊपर कहीं पड़ा हुआ है। अच्छा, अब उसको निकालने की तो हिम्मत नहीं है, थोड़े से आपे मेकर में ट्राई करते हैं। ओके, थोड़े से एयर फ्रायर में ट्राई। एयर फ्रायर में 180 पे 10 मिनट्स लगा दूं? हाँ, आपे मेकर में कितनी देर रख रहे हो? अभी पहले मैं उसको 5 मिनट्स रख रही हूँ सिम पे। ठीक है, फिर देखूंगी। तो इसमें भी ऐसे करना, इसमें 10 मिनट रखोगे ना? 10 नहीं, आपने बोला 180 पे 10 मिनट्स, तो 10 मिनट रखोगे, 5 मिनट बाद साइड चेंज कर देना। हाँ साइड तो वो तो चेंज करनी पड़ेगी। हाँ एक्सपायरी में मेरे हिसाब से 7-8 मिनट लगेंगे, वो बहुत हल्का सा तेल लगाना है। मैंने इसे प्री हीट किया हुआ है। हाँ ठीक है, फिर मेरे हिसाब से तो एक्सपेरिमेंट ही करना पड़ेगा इसमें। ओ फैंसी 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 नहीं, इससे फिर वो अंदर तक सिक जाती है। दाल बाटी चूरमा बन रहा है या लिट्टी चोखा बन रहा? दाल बाटी चूरमा। मम्मा क्या करती हो यार? मैंने सोचा मेरे साथ कोई प्रैंक हो रहा है, रसोई में इतने रोब के साथ बुलाया जा रहा है, मैं तो सच ही डर गया यार। हम दोनों में ट्राई कर रहे हैं जिसमें ज्यादा अच्छा बन जाए। हमारा गैस तंदूर ऊपर पड़ा हुआ है, वो ऊपर ही रहे कोई बात नहीं। भाई ये भी सही बन रहा है और इसमें ज्यादा मुझे लग रहा है अच्छी बन जाएगी। इसमें अच्छा बन रहा है ना? दाल बाटी चूरमा बन रहा है, लिट्टी चोखा बना रही है। दाल बाटी चूरमा जयपुर की, परसों बातें हो रही थी ना तो मम्मी के अंदर के जयपुर की यादें जो है ना जागृत होगी लगती हैं। नहीं ये हम बहुत बनाते हैं पापा, अब आपको याद हो ये बाटी हम मटर वाली भी बनाते थे, मटर की फिलिंग करके बाटी। मम्मी कैसी बातें करती, देख पिकू पापा आपको याद हो। मैं तो अभी वो इसको ऐसे ऐसे कर लो, रुक जाओ मैं पढ़ लूं। अरे गरम होता है भाई, अरे मत बेटा तू, मम्मी ये गंदे मंदे हाथ से, हाथ में गंदे नहीं, वो नहा के आया अभी। अच्छा अब तो खैर मेरे ख्याल कितने सालों बाद बनाया होगा, तेरी मम्मा इतनी टेस्टी बनाती थी ना ये, देसी घी में दाल बाटी चूरमा। मम्मा दाल बन गई? दाल अभी कौन सी दाल होती है? ग्रीन वाली? ग्रीन वाली नहीं नहीं, मिक्स होती है। पांच दालें होती है, पांच दालें होती है, मुझे नहीं पता था। This is new to me also. मेरे लिए भी जनरली वो ऐसे ग्रीन वाली छिलका होती है, लेकिन मिक्स भी होती है। मूंग साबुत? मूंग साबुत का नहीं बनता मम्मा? मूंग साबुत का नहीं बनता? ये तो नहीं नहीं, मूंग साबुत का बिल्कुल नहीं बनता। येलो दाल मूंगी दुली असली में ये बनती है कंडे में। देखो अब इसमें तेरे को बताऊं, फिर वो जैसे वो कल वो जयपुर के वो वाले थे ना, ऐसे ही वो जो हम लोग खाए थे ना, वो क्या नाम है उसका, रावत की कचोरी। हाँ उसके सामने जैसे अपने नहीं ढाबा रहता, ये रहता है क्या नाम है रोपड़ वाला ढाबा, इस तरह का ये एक वो ढाबा था बस अड्डे के पास में। हैं बस अड्डे के पास? हाँ सिंधी कैंपस अड्डा, वो उसके लेकिन रावत के ऑपोजिट जयपुर में, और जगह भी होगी बल्कि हमने जो 15-20-50 जगह पे खाई होगी वैसी दाल बाटी। वो देखने में ढाबा बिल्कुल लोकल टाइप, लेकिन होता ना कई बार ऐसी डिश होती है वैसी बढ़िया। और एक बार मैं भरतपुर गया था वहां पे वो खिलाई थी किसी ने, वो भी ऐसे ही था मेकशिफ्ट टाइप ढाबा, जो ऐसे मेक शिफ्ट वाले मतलब वहाँ पे ये दाल बाटी चूरमा बहुत बढ़िया मिलती है। चलो रात का डिनर यही है आज, लोडेड लोडेड डिनर। मम्मा इसके साथ प्याज खाऊंगा, लहसुन की चटनी अगर बन जाती। ये देख नंबर का नंबर बना रही है, कहती पापा मेरे कान में भी होता क्या, पापा आपको कहना था मम्मी का दाल बाटी चूरमा सबसे अच्छा होता है। मैं कहा वो तो विदाउट इम्प्लाइंग, नहीं तो मेरा चूरमा बन जाएगा। क्या कहती है तूने? चूरमा भी बनेगा ना? सच बताती हूँ बस, नहीं सच देख के ही बेस्ट लग रहा है, देख के खुशबू आ रही है ना कितनी। और ये काश हम ये खुशबू फोन में ट्रांसफर कर पाते, ये जो खोल रहा है ना ये नया फीचर डालो इसमें, ये ना किसी ये इसकी अगर वो आपने ओरा लेनी है ना तो किसी बेकरी जो अच्छी बेकरी के पास खड़े हो जाओ, जैसी खुशबू आती है ना वैसी फील हो जाएगी, सारे आपके अंदर के इंटरनल खाने वाले जूसेस सलाइवेट हो जाएगी। चलो और मैं तो वैसे भी ये बात है, मम्मी जैसे पापा को बुला रही थी ना, मेरे को लगा कोई शरारत कर रही है मम्मी को। मैं ना देखो ऐसे रोक के तो बुला रहा, मैं सोचा मेरे से कोई प्रैंक हो रहा है। ये मेरा लंच था आज कि चलो रात को मैं
भाई सुबह खा लिया अभी लंच करके ऐसे रात में कुछ लाइट होगा, लेकिन अब तो बहुत जरूरी है, अब ये भी खाने का मन नहीं हो रहा। खाओ। जो मैंने अभी देखा ना बाटी का यार खुशबू आई है, मन कर रहा है या फ्रूट्स में तो कोई नहीं, नहीं खाने का मन तो मेरे को दे, नहीं नहीं उससे ना बढ़िया डाइजेस्टिव हो जाएगा, बाटी चूरमा खाऊंगा। मम्मा चूरमा भी बनाओगे? मम्मा ने कमाल कर दिया यार। मम्मा यार कोई कोई दिन ऐसा होगा कि आप सोचो कि आज मैं बैठती हूँ आराम से किचन में नहीं जाती? किचन इज मम्मा स्ट्रेस बस्टर। कई जो बहुत सारे प्यार से लिखते हैं ना मम्मा को, हाँ कि एक एक वहाँ पे वो होनी चाहिए, हाँ, चेयर होनी चाहिए, हाँ, या कुछ होना चाहिए, वो एक स्टूल लेके आना मम्मा, हाँ, के लिए लाना लाना लाना। और दूसरा मम्मा को बोलते हैं किचन वो मम्मा इज मास्टर शेफ, वाकई भी है नहीं कि वो ऐसे बना दी, वाकई मास्टर शेफ है, पता नहीं कब से बना बना के खिला रही है, मेरे को देख के लग ही रहा होगा। मम्मी घर की मास्टर, हाँ सभी के मम्मी के घर की मास्टर, सब मम्मियां होती है, क्योंकि हर मम्मी एक्सपेरिमेंट कोई ना कोई करती रहती। पर हमारी मम्मी का तो हॉबी भी फूड है ना, तो वो टू एंड टू कम्बाइंस, उसी वजह से तो भाई तू वेजी भाजी बना, यस उसी वजह से मैं ऐसे बना। अच्छा मुझे लगा चूरमा वैसे बनता है आटे का, तो बस इसमें आप चीनी डाल दोगे और बन जाएगा। थोड़ा सा ही बनाऊंगी है ना, दाल भी बन चुकी है, फुल ऑन लोडेड देसी घी डालना चाहिए, इतना देसी घी डालना चाहिए खा के बंदे को सो जाए, नींद आ जाए। जितना डालना था डाल दिया, और ज्यादा ब्लॉक पुलिस, ब्लॉक पुलिस कभी भी आ सकती है, बच के रहिएगा ब्लॉक पुलिस से। आज तो भाई फिर दाल बाटी चूरमा डे बन गया मम्मा, मम्मा आपका कहने का मतलब है जयपुर में बर्थडे पार्टी में लोग ऐसे ही खाते हैं? नहीं वैसे कह रहा हूँ, ये तो कितना बढ़िया है यार, माहौल ही बन जाता है। मैं दाल बाटी अकेली कभी मत खाओ, चूरमा के बिना। चूरमा तो ऑब्वियसली, कुछ लोग पता क्या करते हैं, ये बाटी को क्रश किया उसमें दाल डाली और साथ में थोड़ा चूरमा भी डाल देते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि बाटी को चूर चूर किया वो डाला, लाइक वो लिट्टी चोखा उसमें, हाँ, प्याज और, हाँ वो तो डालते हैं, तभी तो लहसुन की चटनी भी बना रहे हैं ना, लहसुन की चटनी से एकदम खुश ना हो जाए। बट मैंने वो प्याज टमाटर सारे खत्म कर दिए, मैं पहले ही बता रही हूँ, टमाटर और आ जाएगा, जल जाएगा, गैस और हाई कर दो। शरारत किचन में कभी करनी चाहिए, बड़ी खतरनाक जगह होती है शरारत करने के लिए। ये मिर्चें तीखी हैं मम्मा, लग रही है ना? बेटा लाल मिर्च तो मीठी तो मैंने नहीं देखी कभी, कश्मीरी लाल मिर्च होती है ना कलर के लिए, आप ही तो बोलते हो। ये नम्रता से लाइक मम्मा भी क्या सच में एसिड डिपो दो क्या? पूरा घी में पीछे बटर गिर गया कि आप घी में डुबो रहे हो? वो पहले उसको दबा के डालना होता है। ज्यादा हो गया, अब खा रहे तो मम्मा ये वाला तो ऐसे ही खाएंगे फिर। मम्मा बस टू नहीं तो बस तुम दो ही खाओगे, ये हो गए ना थ्री, मैं और भी ले लेंगे ना फिर। मम्मा देखो कैसे बबलिंग कर रहा है, चलो बस ये ऐसे कर लेते हो ना, देखो बबलिंग। अब तो लेनी होगी ना तो ये ग्रीन छोटी वाली और डाल देना, ठीक है? छोटी बड़ी भी ऐसा कुछ भी है, ये फ्राइड है, ये वो रोस्टेड है, ऐसा कुछ है, बड़ी वाली एयर फ्राई में, अच्छा, और छोटी वाली अपे मेकर। तुम डिफरेंट ब्लॉक पुलिस ले ली मैंने, ब्लॉक पहली होगी, ब्लॉक पुलिस लेट होगी तुम्हारी। ओए ये क्या है, ब्लॉक पुलिस लेट हो चुकी है, सब आ चुका है, कैप्चर हो चुका है, पहले ले देना। कैसा कैसा लग रहा है आपको, कैसा लग रहा है आपको? मैं खाऊंगा बैठ के, और क्या, मैं तो मम्मा ये क्या है, इतनी सारी नहीं डालनी है क्या? लहसुन की चटनी नहीं, इनमें से लेंगे थोड़ी थोड़ी, तो फिर ये इसमें पूरा मतलब मेस करे ना, हाँ, या फिर एक प्लेट अलग से दो कि थोड़ा तरीके से खाए देसी अंदाज में, बिल्कुल। मम्मा आप चम्मच चम्मच के साथ थोड़ी खाएंगे यार, कैसी बात कर रहे हो, इतने प्यार से आपने बनाया दाल बाटी चूरमा तो उसको हाथों से खाएंगे ना। तो वो दूसरा वाले ले लेना, हाँ कुछ मेरे को ऐसा देना जिसमें वो नहीं है, वो एक वाली प्लेट है ना जिसमें इतना ऐसे आधा सेंटीमीटर ऊपर उठी हुई है, वो वाली उस वाली प्लेट में देना, पापा की बचपन की प्लेट, पापा की बचपन की प्लेट है वो, समझ गया ना वो कौन सी वाली, ये वाली नहीं नहीं ये नहीं ये नहीं, हाँ ये वाली भी दे सकते हो वैसे, एक सर्कल प्लेट है वो, नहीं वो याद नहीं आ रही, हाँ ये भी चलेगी,
ये भी चलेगी। जब तूने खानी होगी बता देना। इसमें आप मेरे को देना अच्छे से। हाँ मैं अभी आधे घंटे तक खाता हूँ, थोड़े टाइम तक खाता हूँ, खा सकता हूँ आराम से, कोई वो नहीं है। दाल बाटी चूरमा, दाल बाटी चूरमा, यस। जो बंदा खाए तो रखे याद सालों साल। यार लग रहा है भाई कि घर में बनाया, लग रहा है ये वाली देखना, ये तो बिल्कुल ही अच्छा लग रहा है। एयर फ्रायर में बनी है, आपे मेकर में बनी है। वाजे चूरमा देखो यार, इतना टेस्टी चूरमा है ना। तो मेरा बोल का है, एकदम बढ़िया, यहां पे ही है। तुम्हारा बोल का है? मैं तो ऐसे खाऊंगी। अच्छा देसी ना, ठीक है। पूरा क्रश करके चलो, आई विल लेट यू एंजॉय, बिकॉज़ ये चीज ऐसी है कि बंदे को ऑफ कैमरा खानी चाहिए, फिर मैसी हो जाएगा कैमरा के सामने चम्मच से खाए। मामा उसी में दे दो, रहने दो, उसमें दे दो, वो और डीप है और अच्छा लगेगा। वो वाले में? हाँ, ओवल वाले में। जब तू खाएगा मैं दे दूंगी ना। हाँ हाँ ठीक है। मम्मी इसमें 5 मसाले डालती है, मुझे नहीं पता था। नहीं, चार भी डाल सकते हैं, मतलब इतनी सारी डालती है, मुझे नहीं पता था। नहीं, मेरे को डालनी थी, वो डल गई सामने। I didn't know कि इसमें इतनी सारी दालें डलती है। नहीं डलती तो है, अगर आपके पास पानी मतलब मिक्सचर ऑफ दाल्स होती हैं। हाँ। पर इसमें ये मूंगी धुली की जरूरत होती है, मसूर की होती है। I was under the impression कि ये मूंग साबुत दाल नहीं, नहीं उसका अकेले का फ्लेवर ही नहीं आएगा। ये भी है। गाइस ये मैंने कुछ तो बनाया है एक्सपेरिमेंट करके, तो बड़ी आ रही है। जो भी तूने बनाया है, नहीं कुछ ऐसा चीज चाहिए क्योंकि ये थोड़ा मेलो फ्लेवर होता है ना, इसको थोड़ा पेपी बनाने के लिए ये चीज करारा है ये बड़ा। यस दैट करारा। चौकी डानी में खाया था ना तूने, जयपुर डालते हैं ये चटनी जो बनाई है, ये चटनी। हाँ ये मम्मा, ये अपने क्योंकि इसने वो क्योंकि तूने लहसुन की चटनी बताई है, इसलिए बताना है तूने। टेस्टी लग रही है, खुशबू अच्छी आ रही है। लहसुन की चटनी के साथ ही पहले खाता हूँ मैं। खुशबू एकदम मस्त। मामा मेरे को लग रहा है ये एयर फ्रायर वाली बाटी ज्यादा बढ़िया बनी है। मैंने पहले ही बोला था क्योंकि ये देख रहे हो ये एयर फ्रायर वाली है। मैं खा रहा हूँ, खा रहा हूँ। चूरमा देखो ऐसा बनाया ना, चूरमा ऐसा चूरमा तो अच्छे अच्छे एलएमबी वगैरह में भी ना मिले, इतना टेस्टी चूरमा था। वही बताया ना, ये जो रस्टिक चीजें होती है ना, ये छोटे डब्बों पे खाने में मजा ज्यादा आता है। एलएमबी पे भी अच्छी दाल बाटी चूरमा, उसकी थाली अच्छी थी उस जो बनने में, लेकिन ये दाल बाटी चूरमा बताया ना, जो छोटे रोड साइड डब्बे अच्छा वाला कोई मिल जाए, जैसे मैंने दो बताए हिडन जेम्स, वहां पे खाने में मजा आता है। आई थिंक इफ आई रिमेम्बर करेक्टली एलएमबी पे गुलाब चूरमा वगैरह मिलता है शायद, वो थाली में उनकी 800 रुपए की जो थाली होती है ना, वो सब चीज वो अलग होता है। तुल जगह प्रसाद चढ़ा के आ रहे हैं भाई भाभी दोनों। हेलो। अच्छा ये वाली जो दो बाटी हैं, ये आई थिंक आपे वाली है, और ये एयर नहीं, ये आपे वाली है, ये एयर फ्रायर वाली है, क्योंकि एयर फ्रायर वाली इवनली कुक्ड होगी, आपे वाली एक साइड से ज़्यादा से उसकी शेप भी वैसी है ना। मेरे को एयर फ्रायर वाली बाटी ज़्यादा सही लग रही है। चलो बाकी टेस्ट करके पता चलेगा, लेट्स बिगिन। आई थिंक मम्मा वो वाली प्लेट भी ले आओ प्लीज़। नहीं बस, और ले आऊँ बाटियाँ? नहीं नहीं बस, नहीं होगी तो बस रेसिपी में डाल लेना। ठीक है, अब इसको हाथ गंदे करने का टाइम आ गया।